जिला शिक्षा विभाग में उस वक्त हंगामा हुआ जब शिक्षा विभाग के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षकों के आश्रितों को बुलाया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा आज जिले के 57 आश्रितों को शिक्षा विभाग बुलाया गया था। इस दौरान नियुक्ति को लेकर आश्रितों को शासन की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन्हें अपनी अनुकंपा नियुक्ति के बदले 5 साल का वेतन देने का ऑफर देते हुए अपने इस पद को छोड़ने की बात कही गई, जिसके बाद आए हुए आश्रितों में खासा आक्रोश देखने को मिला। हंगामे के बाद राज्य शिक्षक संघ के पदाधिकारी आश्रितों की मदद के लिए मौके पर पहुंचे। इस दौरान अनुकंपा नियुक्ति के आश्रित निशा बबेले ने कहा कि शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके कारण कई सालों से कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हम आश्रितों को 5 साल का वेतन लेने की शर्त रखी जा रही है या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम शिक्षक की पत्नी हैं, हमारे द्वारा विभाग से दी गई शर्तों के अनुसार 4 से 5 वर्ष की अधिक पढ़ाई की बावजूद हमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आखिर क्यों बनाया जा रहा है। हम शिक्षक की पत्नी हैं, हमें बाई बनना मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा, जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा आश्रितों को उठाना पड़ रहा है और अपनी नियुक्ति को लेकर यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 0766235997 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।